अरे अकला है तू, झगड़े की सोचना भी मत। लाइफ अगर मैदान है तो उसे दो हिस्सों में डिवाइड करो, एक में सपने, दूसरे में असलियत। यार जो दोस्त कमीने नहीं होते वो कमीने दोस्त नहीं होते। कितना हो सकता है गणपत का कलेक्शन? किन फिल्मों से डूबने वाला था टाइगर का करियर? क्या गणपत हो पाएगी टाइगर की लकी साबित? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्राड स्टूडियोज में। टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म गणपत, जो इसी साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने वाली है, विकास बहल के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म 23 दिसंबर 2022 को हमारे बीच होगी। गणपत एक एक्शन प्लस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइगर एक्शन के साथ साथ स्पोर्ट्स खेलते भी दिखाई देंगे। आपको बता दें कि टाइगर यहां एक बॉक्सर का किरदार निभाते नजर आएंगे। वहीं उनके पापा भी एक फाइटर मास्टर होते हैं जिन्हें उनके दोस्तों द्वारा मार दिया जाता है। यहां टाइगर अपने पापा की मौत का बदला लेने के लिए जी जान लगाकर बॉक्सिंग सीखते हैं। गणपत में टाइगर के ऑपोजिट रोल में कृति सैनन नजर आने वाली है। इससे पहले भी ये जोड़ी हीरोपंती मूवी में अपना कमाल दिखा चुकी है। गणपत साल की हाई बजट फिल्मों में से एक बताई जा रही है। अभी तक मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मूवी की शूटिंग बाहर की कंट्रीज में ज्यादा की जा रही है। वहीं इसमें एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए कई नए एक्शन सीक्वेंसेस भी रखे गए जिन्हें बॉलीवुड में कम देखा गया है। ये सब देखते हुए कहा जा सकता है कि मेकर्स गणपत पर खूब पैसा लगा रहे हैं, जिससे मूवी का बजट करीब 150 से 200 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। अब इतना पैसा लग रहा है तो मेकर्स को वापस मिलने की भी उतनी ही उम्मीदें होंगी। अभी तक की टाइगर की सुपरहिट फिल्मों में देखें तो उन्होंने सबसे बड़ी छलांग बागी 2 से लगाई थी। फिल्म का बजट करीब 60 करोड़ रुपए तक था, वहीं कलेक्शन 165 करोड़ रुपए। ये फिल्म टाइगर के लिए पहली सुपरहिट फिल्मों में से है। दूसरी फिल्म जो टाइगर की लाइफ में बड़ा चेंज लाई थी वो वॉर, जिसमें ऋतिक रोशन के साथ काम करके मूवी ब्लॉकबस्टर रही। मूवी का बजट करीब 150 करोड़ रुपए था, वहीं उसके कलेक्शन ने सबको चौंका कर रख दिया था। मूवी ने 318 करोड़ रुपए तक से भी ऊपर का कलेक्शन किया था। अब टाइगर की इन दोनों मूवीज को देखते हुए तो लगता है कि कलेक्शन के हिसाब से मूवी का बजट काफी कम था। गणपत में जिस तरह का पैसा लगाया जा रहा है और मूवी के बारे में बताया जा रहा है, उस हिसाब से कलेक्शन भी जबरदस्त होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं टाइगर की अभी तक की कौन सी फिल्म ऐसी है जिनके बाद एक्टर का करियर डूबने वाला था। आपको बता दें टाइगर की तीसरी फिल्म अ फ्लाइंग जट उनके करियर की फ्लॉप फिल्म रही। इसमें उनके साथ जैकलीन फर्नांडिस नजर आई थी। 2016 में आई इस फिल्म ने 38 करोड़ तक की कमाई की थी। वहीं टाइगर के करियर की चौथी फिल्म और भी ज्यादा फ्लॉप रही थी। 2017 में आई मुन्ना माइकल जो बॉक्स ऑफिस में सिर्फ 32 करोड़ का कलेक्शन कर पाई थी। टाइगर श्रॉफ के लिए उनकी बागी फ्रेंचाइजी काफी लकी साबित हुई है। इसके कुछ पार्ट्स ने एवेंजर का टैग हासिल किया तो किसी ने सुपर हिट होने का। इसी को देखते हुए टाइगर आगे भी एक और फ्रेंचाइजी निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि गणपत एक फ्रेंचाइजी होने वाली है जिसके दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट को गणपत चैप्टर 1 का नाम दिया गया है। वहीं टाइगर की 2014 में आई हीरोपंती भी एक फ्रेंचाइजी बनने वाली है, जिसका दूसरा पार्ट यानी हीरोपंती 2 इसी साल 29 अप्रैल 2022 को रिलीज हो रहा है। इस बार उनकी को स्टार तारा सुतारिया होने वाली हैं। तो कुछ इस तरह से टाइगर की फिल्मों ने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई है और अब देखना ये होगा कि गणपत टाइगर की लाइफ में कितना बड़ा बदलाव लाती है। आपको गणपत से कितनी और क्या क्या उम्मीदें हैं ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।